अभी ब्लैक बोर्ड दिखाई देगा भी सभी को। ब्लैक बोर्ड दिखाई दिया? यस सर। ओके, तो टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर सेकंड। चैप्टर नेम इज फ्रैक्शन एंड डेसिमल। हां जी बच्चे, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, नोट डाउन मेक ए हेडिंग ऑफ द चैप्टर। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन बोलो, किसी को आइडिया? हाँ यस सर। हाँ हाँ सर, देखो डिवाइड करने का दूसरा में ऐसा एक फ्रैक्शन का मतलब होगा एक ऐसी वैल्यू जिसमें दो पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। है ठीक है, बात समझ आई क्या? यस सर। यस सर। द नंबर लिखो इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, where Q not equal to zero. ठीक है, इतना नोट करो। Then with everyone, देखो बच्चे, तो examples क्या होंगे? Like examples 1/2, 3/5, 5/9, 11/20, etc. हाँ जी, ये सारे क्या होंगे? नहीं बच्चे, फोर टाइप हम डिस्कस करेंगे, फोर टाइप के वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पहले ये देखो, अब ये सारे क्या है? फ्रैक्शन है। Q नॉट इक्वल टू जीरो मतलब Q इक्वल जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये। तो अब देखो, अब P अपॉन Q लिखा था ना, तो P क्या होता है? ये होता है न्यूमरेटर। न्यूमरेटर एक मिनट रुको, यानी और Q होगा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब जो फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन लिखा होगा ना, ऊपर ऊपर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर। नीचे वाला पोर्शन होगा वो होगा बच्चे डिनोमिनेटर। ठीक है, जब फ्रैक्शन में लिखते हैं ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको न्यूमरेटर बोला जाता है, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोला जाता है। नोट करो। ओके, नेक्स्ट लिखोगे? नेक्स्ट हम, ठीक है बच्चे, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ फ्रैक्शन। देखो टाइप ऑफ फ्रैक्शन। सर आई थिंक देयर आर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फर्स्ट वन इज, बोलो। ओके, टाइप ऑफ फ्रैक्शन बस लिख लो, लिखो लिखो। फ्रैक्शन ऐसे लिखना है, देखो जी, फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर, ये ऐसे लिख लो, फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन, न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। ओके, फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन its denominator is called proper fraction, called proper fraction। ऐसा fraction बच्चे जिसका numerator हमेशा denominator से कम होगा, मतलब ऊपर वाली value simple language में बोले तो कम होगी नीचे वाली value से। ठीक है, नीचे वाली value ज़्यादा होगी, is called proper fraction बच्चे। अब examples क्या होंगे? कुछ examples discuss करता हूँ, like 1/2, 3/4, 5/9, 11/12, 17/25,
अभी तक लिखा नहीं? देखो जी, टाइप टू इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बचे, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मेक ए हेडिंग द फ्रैक्शन whose numerator is greater than its denominator. ये ऐसे बोल दे, denominator, fraction whose denominator is less than denominator, तब भी एक ही बात है, same thing है वो, ठीक है? ये numerator ज्यादा हो डिनोमिनेटर से, ये बोल दो, ये ऐसे बोल दे डिनोमिनेटर कम हो, तो दोनों बातें एक है, ठीक है? द फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है? एग्जांपल्स क्या होंगे? लाइक 3/2, 5/4, 11/10, 20/7 एक्सेट्रा, बहुत सारे हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट, हम नेक्स्ट वी विल डिस्कस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है? टाइप थ्री, नो सॉरी सॉरी, मिक्स फ्रैक्शन में से नेक्स्ट वी विल डिस्कस मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है? मिक्स फ्रैक्शन, अब मिक्स में क्या होगा, दो चीजें आ जाती है, ठीक है? एक होल पार्ट एंड ए फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है? दो चीजें जब एक साथ हो जाएगी तो उसमें क्या बोलेंगे, उसको मिक्स फ्रैक्शन बोला जाएगा, ठीक है? लिखो, ए फ्रैक्शन विद ए होल पार्ट, होल मीन कंप्लीट, ए फ्रैक्शन विद ए होल पार्ट एंड ए फ्रैक्शनल पार्ट एंड ए fractional part is called mixed fraction, ठीक है? Like examples क्या होंगे, 1/2, 3/4/5, और इस mixed fraction में हमेशा जो fractional part है ना, ये proper होगा, ये भी ध्यान रखना है, ये improper कभी भी नहीं होगा, ठीक है? 7/1/2, 8/4/7 etc. और इम्प्रॉपर को भी कैसे सोल्व करना है, इम्प्रॉपर को हम आगे और फर्दर सोल्व करते हैं, वो मिक्स में कन्वर्ट हो जाता है, वो दोनों बातें डिस्कस करेंगे, अभी इतना नोट करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे, देखो जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने लिखा था ना, 7/2 है, सो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है न्यूमिनेटर से, ठीक है? न्यूमिनेटर बड़ा होता है। अब देखो इसको 7/2 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा मैं 7 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं 7 को 2 से डिवाइड करूँ, रिजल्ट कितना आएगा, 2 3 6, रिमाइंडर 1। तो इसको कैसे लिखा जाता है, 3 क्वेश्चन है, 3 को ऐसे लिखो, 1 को यहाँ ऊपर लिखा जाता है रिमाइंडर, और ये डिवाइजर होता है, तो 3 1/2। अब ये किस में हो गया, मिक्स में चेंज हो गया बच्चे, ठीक है? मिक्स फ्रैक्शन में जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आगे फर्दर सोल्व किया जाता है तो इसमें किस में चेंज होता है, मिक्स में चेंज होता है। और मिक्स को ओपन कैसे करना है ये भी बताऊंगा आपको, मिक्स को ओपन करके आप किस में कन्वर्ट कर दो तो वापस इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दो। इतना समझ आया सभी को, कैसे इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, बोलो सर। हाँ जी सर, अगर रिमाइंडर जीरो होगा, रिमाइंडर जीरो होगा तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ मुझे 8/4 है, तो 8 को 4 से डिवाइड किया, 4 2 8, रिमाइंडर 0 होता है, 2 लिख देंगे उसे, बस रिमाइंडर अगर 0 होगा तो होल पार्ट बचेगा, फ्रैक्शन पार्ट तो बचेगा ही नहीं, ठीक है? हाँ, और इसमें 8/4 का मतलब क्या हुआ, हम 4 को 8 से डिवाइड करें तो सीधा भी कर सकते हो, 4 1 4 2 8, आंसर इज 2। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर सकते हैं बच्चे विद सेम टेबल, ये हमेशा ध्यान रखना, वी कैन कैंसिल आउट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद सेम टेबल ऑलवेज, नॉट डिफरेंट टेबल। और ये जब तक लिखा जाता है जब तक सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है? देखो अब इसको सिंपली, अब मैंने ऐसे लिख दिया 12 अपॉन
तो ये सिंपलीफाइड नहीं है फ्रैक्शन, इसको सिंपल करके लिखना है। सिंपल मतलब हमें उस वहां तक इसको कैंसिल आउट करना है, उसके बाद कैंसिल आउट हो ही ना। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कौन से टेबल पे कैंसिल आउट हो रहे हैं, दोनों बोलो 12 और 4 किसकी टेबल से डिवाइड होते हैं, दोनों नंबर सेम 2। देखो 2 से भी होते हैं 4 से भी होते हैं, आप 2 से भी कैंसिल आउट कर सकते हो 4 से भी। अब 2 से कैंसिल आउट करूंगा 2 6 जा 12 और 4 को कैंसिल आउट किया 2 से तो 2 जा 4, अब 6 बाय 2 बचा। अब 6 बाय 2 फर्दर कैंसिल आउट हो गए किसी टेबल से बोलो, यस सर 2 से, यस 2 से तो 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, 4 3 जा, अब 3 बाय 1 बचा। अब किसी को बचे किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं कोई फर्क पड़ता है क्या बोलो, अब किसी भी तो जब 1 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट सेम होता है, इसलिए 3 बाय 1 मतलब आंसर क्या है 3। हाँ सीधा 3 लिखना है मुझे, क्योंकि जब भी हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे क्या बचे, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, 1 की वैल्यू क्यों नहीं होती, 1 की वैल्यू 1 होती है, ऐसे कैसे बोल सकते हो। क्या समझ नहीं आया जीविका, थ्री बाई वन का मतलब क्या है, थ्री को किससे डिवाइड कर रहा हूँ मैं, वन से, वन से डिवाइड किसी भी नंबर को जीविका वन से डिवाइड करते हैं रिजल्ट क्या आता है, सेम ही आएगा नंबर, कोई रिजल्ट चेंज ही नहीं होता। आप इस दुनिया में वन को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो आंसर कभी चेंज नहीं होगा, वो नंबर इटसेल्फ ही होगा। वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चे तब भी वही होगा, और वन के से डिवाइड करोगे तब भी वही आएगा, अलग नहीं होता कुछ भी, ठीक है। इसलिए अब थ्री को मैंने वन से डिवाइड किया आंसर थ्री आ गया। हाँ जी मिक्स फ्रैक्शन का वजह ऐसे है, जैसे मैंने लिख दिया 7/2 है, ठीक है, ये कौन सा फ्रैक्शन है बताओ पहले, इंप्रॉपर, गुड। तो इंप्रॉपर में 7/2 का मतलब क्या हुआ, 7 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से, टू से, वेरी गुड। तो 7 को ऐसे 2 से डिवाइड करोगे तो 2 बन जा 1, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक बात है, 1 रिमाइंडर बचेगा बोलो, हाँ जी है ना, तो 1 रिमाइंडर बचेगा। अब देखो अब ये 3 है ना, 3 ये क्या है, क्वेश्चन है 1 रिमाइंडर है 2 डिवाइडर, इसको ऐसे लिखा जाता है, क्वेश्चन होता है उसको आगे लिखते हैं, ये होल पार्ट होता है, ठीक है, अगर कुछ रिमाइंडर बचा तो ऊपर लिखा जाता है, फिर ये क्या हो जाता है डिनोमिनेटर। सर इसको एक याद करने के एक और ट्रिक बताओ सर, हाँ सर। अब देखो बच्चे मिक्स फ्रैक्शन को आप ओपन कैसे करोगे, जैसे मैंने 7/2 था अभी लास्ट स्लाइड में, 7/2 को मैंने सोल्व किया कितना आ गया 3/1/2, ये इम्प्रॉपर था ये मिक्स था। अब मिक्स को वापस सोल्व करोगे तो वापस यही बनेगा। देखो कैसे सोल्व करते हैं मिक्स को, मिक्स को ऐसे सोल्व किया जाता है बच्चे, जो डिनोमिनेटर होता है ना उसको होल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है बच्चे उसको होल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और जो और ये क्या बोलते हैं रिमाइंडर इसमें ऐड करते हैं, तो 3 प्लस 2 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, तो 7 आंसर आ गया। देखो बच्चे तो ये रिजल्ट आया था 7, तो 7 को ऊपर लिखेंगे हम और न्यूमरेटर प्लेस पे, और 2 जो डिनोमिनेटर था ना उसको एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। देखो एक दो और एग्जांपल से समझते हैं हम, जैसे मैंने लिख दिया 9/4, तो 9/4 है ये, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर से, 9 को बचे 4 से डिवाइड करूंगा, 4 टू जा 8, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो ये 2 है ना ये, इसको होल पार्ट में लिखो, बीच में एक लाइन लगाओ जो रिमाइंडर उसको ऊपर लिखो और 4 डिवाइड कर दो, ठीक है आंसर। अब वापस अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन है 2/1/4 बचे, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है तो आंसर तो यही है 9/4, कैसे कन्वर्ट करना है, इस ये जो बच्चे क्या है डिनोमिनेटर उसको होल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 2 × 4, और जो न्यूमरेटर होता है इसको ऐड कर दो इसमें, और डिवाइड एज इट इज 4 लिखो, जो डिनोमिनेटर होता है उसको एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे, तो 4 2 8 + 1
नाइन बाई फोर। वी बोर्ड मास पढ़ा है ना सबने, डमास पढ़ा है, डीएमए। सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब इसमें दो तीन बातें और होती है, जैसे विनकुलम बार, डिवीजन ऑफ ब्रैकेट, डिवीजन से पहले, ठीक है, वो और आपको बाद में बताऊंगा मैं, अभी ये चार बातें सीख लो। सीक्वेंस होता है ये, सबसे पहले कोई डिवाइड है तो डिवाइड को सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो चीजें थी, मल्टीप्लाई और एडिशन, तो हमने पहले मल्टीप्लाई किया बाद में एडिशन किया, ठीक है। अब होपफुली समझ आया होगा सभी को ये। हाँ जी बोलो बच्चे, रुद्रा एनी डाउट? हाँ हाँ क्वेश्चन देता हूँ, अभी प्रैक्टिस हो जाएगी आप सभी की, ठीक है। ओके बच्चे चलो देखो, फिर आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको आंसर चैट बॉक्स में भेजना, ठीक है। पहले मैं ऐसे दूंगा कि आपको ना फ्रैक्शन दूंगा, उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट, इम्प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन देता हूँ मैं उसको, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना आपको, ठीक है। मिक्स टू इम्प्रॉपर, ठीक है बच्चे, बताओ क्या आंसर आना चाहिए, सेंड आंसर इन चैट, चैट बॉक्स में आंसर भेज दो बच्चे। से सरदार दोबारा भेजो, गलत भेजा है ईशानी, ठीक। रुद्रा गलत है बच्चे, संचिता महापात्रा गलत है, अथर्व ठीक है आपका आंसर, जसवंत, तेजस्विनी रो, रुद्रा अभी ठीक है बच्चे, ऋषिकेश गलत, जीविका ठीक, जीविका ठीक है, संचिता महापात्रा, सरताज रोम। देखो बच्चे अभी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, देखो सबसे पहले 11 इंटू 5 करेंगे, 11 इंटू 5, और इसमें ये न्यूमरेटर वैल्यू ऐड कर दो, ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या था 11 एच डी लिख दो, 11 5 जा 55, 55 में आप 9 ऐड कर लो, कितना बचेगा 64, 64 अपॉन 11, दिस इज राइट आंसर, ठीक बात है। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस बार सही होना चाहिए सभी का, ओके शाबाश, चैट बॉक्स में आंसर भेज दो। उत्सव ईशानी राइट, वेरी गुड, लास्ट टाइम भी ईशानी का आंसर सबसे पहले आया था, बहुत बढ़िया। उत्सव अभी ठीक है, रुद्रा ठीक है, अठारह ठीक है, शाबाश बहुत बढ़िया सभी, तेजस्विनी गलत है बच्चे, पूरा नहीं अधूरा आपका आंसर, कंप्लीट करो इसको, संचिता ठीक है, ऋषिकेश ठीक है, सरताज रोम, जसवंत योर आंसर इज नॉट कंप्लीट। देखो मुझे मैं सॉल्व करवाता हूँ, देखो पहले क्या होता है, डिनोमिनेटर को होल पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं 9 into 7, और उसमें क्या ऐड करते हैं न्यूमरेटर, और जो डिनोमिनेटर होता है वो एज इट इज लिख देते हैं, 9 63 + 2 65/7 आंसर, कितना इजी था बताओ। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हाँ तो कम गलत माना जाएगा ना वो, उत्सव राइट, ईशानी राइट, सरताज राइट, अथर्व राइट, बहुत बढ़िया, संचिता गलत है बच्चे, ध्यान से करो, जीविका ठीक है आपका, तेजस्विनी राइट, रुद्रा गलत है बच्चे, ऋषिकेश ठीक है। देखो अब सॉल्व करवाता हूँ मैं, पहले 11 को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 15 into 11 + 4 / 15, ठीक है बच्चे, संचिता राइट, जसवंत रॉन्ग, क्या किया आपने ये, देखो 11 और 15 into 11 कितना होता है बच्चे, 11 से मल्टीप्लाई करो, 5 into 1 = 1, ठीक है, 5 6 165 + 4 165 के साथ 4 ऐड करेंगे तो 169, सरताज क्या आपको बुला रहा है, गाने गा रहा है, आंसर आवाज आ रही है, तू बुला रहा है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये है बच्चे 169/15, हमें भी सुना दे सारी क्लास को गाने, ओके, और
इसी तरह वापस देखो बच्चे, इस ये इम्प्रॉपर में ना, इसको मिक्स में, इसी को मिक्स में कन्वर्ट करना होता तो हम कैसे करते हैं, 169 अपॉन 15, इसका मतलब क्या होता है बच्चे, 169 इसका मतलब होता है डिवाइड बाय 15, तो 169 को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, 15 से, देखो 15 बन जा 15, रिमाइंडर कितना हो जा 1, कैरी किया 9, 15 बन जा अगेन 15, रिमाइंडर कितना हो जा 4, तो 11 होल 4 अपॉन 15 इज आंसर, ठीक बात है, वो सेम बना ना देखो, क्योंकि ये रिजल्ट को इम्प्रॉपर मिक्स को मैंने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, तो वापस इसी इम्प्रॉपर को मिक्स में करूँ तो रिजल्ट सेम ही बनेगा बच्चे, ठीक है, हाँ ठीक है बच्चे, देखो देन तो आज के लिए इतना ही, कल आगे कंटिन्यू, आज के लिए इतना ही, कल आगे कंटिन्यू।